हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। माय सेल्फ निखिल लाल पुरोहित, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना नया चैप्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। ठीक है, और ये तुम्हारा जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे कंप्लीट आरपीएससी पैटर्न पे बेस्ड। ठीक है, कि क्या क्या उसके अंदर टॉपिक है, किस किस टाइप के उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग पीवाईक्यूज, मतलब मैंने इसके जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्या किए थे, एनालाइज किए थे, और उस बेसिस पे कि उनमें किस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट के 2 से 3 सालों के अंदर। ठीक है, उस बेसिस पे मैंने सारा कंटेंट तैयार किया है उसी। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसकी कंप्लीट 1 से 2 लेक्चर के अंदर थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसका असाइनमेंट सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, ऐप और वेबसाइट पर तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, और उसको प्रिंट करके तुम उसको सोल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, उसके आंसर की भी तुम्हें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, और आफ्टर दैट तुम्हारा उसी चैप्टर का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा फॉर एनी एग्जाम। और थ्योरी कुछ इस तरीके से रहेगी कि आप कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो और वहां ये टॉपिक अगर इंक्लूडेड है तो आप इसको यहां से पढ़ लो, इसकी थ्योरी को, तुम्हें और कहीं से पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसी पैटर्न के ऊपर चलते चलते हम कंप्लीट क्या करेंगे, जो तुम्हारा आरपीएससी स्कूल लेक्चर का कंप्लीट सिलेबस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस के अंदर टॉपिक क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो टॉपिक मेंशन है वो ये है, वो है आइंस्टाइन इक्वेशन, फोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक टॉपिक ये मेंशन है। सेकंड टॉपिक मेंशन है तुम्हारा मीटर वेव्स, थर्ड टॉपिक है तुम्हारे पास डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद तुम्हारे पास है डेविसन एंड जर्मन, डेविसन एंड जर्मर है ये। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर। एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये तुम्हारे 4 टॉपिक आरपीएससी के सिलेबस में तुम्हारे पास मेंशन है। ठीक है, तो इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, इस चैप्टर के अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, देखो हुआ क्या, सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखो सबसे पहले कि जो तुम्हारे पास काफी फेनोमेना थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन था और पोलराइजेशन था, जो कि तुम्हारे 20th century से पहले भी क्या था, पता था कि ये फेनोमेना होते हैं। ठीक है, और जो लाइट है तुम्हारा, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया था, वेव ट्रीट किया था, उसको वेव ट्रीट किया, और इन जो ये जो तीनों फेनोमेना थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन सबको क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। तो बिफोर 20th century ये माना गया कि जो तुम्हारा लाइट है वो किस तरीके से बिहेव करता है, एक वेव नेचर के रूप में क्या करता है, बिहेव करता है, और उसके वेव नेचर के लिए एक प्रूफ क्या आ गया था उस टाइम तक तुम्हारे पास, आ गया था मैक्सवेल ईएम वेव इक्वेशन। तो तुम्हारे पास मैक्सवेल ईएम वेव इक्वेशन जो थी वो क्या शो कर रही थी, कि जो तुम्हारा लाइट, जो पार्टिकल है, जो तुम्हारा लाइट है, प्रकाश जो है तुम्हारा, वो क्या है, एक वेव है, उसका नेचर क्या है, एक वेव है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होते गए। ठीक है, मैं बात करूं तो तुम्हारे पास साइंटिस्ट थे थॉमसन, जे.जे. थॉमसन, ठीक है, उन्होंने मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज किया। ठीक है, और कैथोड रेज की स्टडी की, क्या की, कैथोड रेज की स्टडीज की। कैथोड रेज की जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि कैथोड रेज के लिए जो क्यू बाय एम रेशियो है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.76 × 10⁻³
11 कूलाम पर केजी होती है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे एक साइंटिस्ट आए मिलिकन। साइंटिस्ट मिलिकन ने क्या बताया कि जो ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर जो चार्ज है तुम्हारा वो एनई के रूप में होता है। क्या होता है? एनई के रूप में होता है। और यहां जो ई की वैल्यू है, यहां जो ई की वैल्यू तुम्हारी है वो कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलाम है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो तुम कैथोड रे है वो और कुछ ना होके क्या है? फास्ट इलेक्ट्रॉन्स ही है। जस्ट क्या है? फास्ट इलेक्ट्रॉन्स ही है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है और क्यू बाई एम रेशियो ये है, तो इससे इसका मास आ जाएगा। मास इससे कितना आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए? 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास आ गया और यहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। तो इस हिसाब से क्या बताया गया कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज इतना होता है, उसका मास इतना होता है और उसका ई बाई एम रेशियो इतना होता है। और जो ऑयल ड्रॉप या फिर कोई भी चीज के ऊपर जो चार्ज है, कोई भी मेटल है या मैटर है, उसके जो चार्ज है वो तुम्हारा क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। और किस फॉर्म में होगा? क्यू इज इक्वल टू एनई के रूप में होगा, जहां तुम्हारा ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एन क्या है? तुम्हारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, या कह सकते हो इंटीजर है। एन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, या फिर कह दो माइनस के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम बात करें कि वेव नेचर के लिए तो इतना सब आ गया, ठीक है। लाइट के वेव नेचर के लिए इंटरफेरेंस बता दिया, डिफ्लेक्शन आ गया, पोलराइजेशन आ गया। तो क्या लाइट वेव ही है? जब तुम्हें प्रूफ मिल रहे हैं, देखो एक तुम्हारी जो लाइट है, ठीक है, जब लाइट है वो एक्सपेरिमेंट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, और ये सब डिफाइन कर पा रहे हो तुम वेव नेचर की वजह से, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि लाइट वेव ही है? हाँ, हम कह सकते हैं कि लाइट वेव ही है। और तो क्या लाइट और कुछ नहीं है? फिर उसके बाद क्या हुआ? तो तुम्हारी 20th सेंचुरी है, इसके अंदर तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स आए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। दैट इज एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या किए गए? एक्सप्लेन किए गए। मतलब यहां पे तुम्हें लाइट का कौन सा वो मिल रहा है, कौन सी नेचर मिल रही है? पार्टिकल नेचर मिल रही है, ठीक है। उसके बाद बात करी जाए, जब उन्होंने लाइट को पार्टिकल बता दिया तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, कि जो तुम्हारी लाइट है या जो एनर्जी है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है, ठीक है। एंड द क्वांटा ऑफ एनर्जी एंड द क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज, लाइट कह दो एनर्जी कह दो, कॉल्ड एज फोटोन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लाइट कंसिस्ट ऑफ द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। कि जो तुम्हारा लाइट है वो क्या हुआ है? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बना, छोटे छोटे उसके अंदर क्या है? पैकेट्स हैं, ठीक है। लाइट के अंदर क्या है? बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स हैं छोटे छोटे, और वो छोटा सा पैकेट ही क्या कहलाता है? तुम्हारा फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। या तुम इसको क्या कह सकते हो? फोटोन कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? क्वांटा ऑफ लाइट, ठीक है। इसकी एनर्जी की बात करूं तो वो होगी एच न्यू, या फिर कह सकते हो एच सी बाय लैम्डा। हियर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है तुम्हारी 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। और यहां पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट
और लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है तुम्हारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। ये जो तुम्हारे पास छोटे छोटे पैकेट आ गए, मतलब क्या आ गए, जो फोटोन आ गए तुम्हारे पास, ये फोटोन क्या करते हैं, वैक्यूम के अंदर मूव करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या लिखोगे? दीज पैकेट ऑफ एनर्जी मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब देखो बात, और फोटोन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो लाइट के जो, ये तुम्हारी क्या थी, लाइट थी, इसके कुछ फेनोमेना जैसे कि तुम्हारा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, या मैं कहूं पोलराइजेशन। ठीक है, इन सबको क्या, किसकी हेल्प से डिफाइन किया गया, कौन से नेचर की हेल्प से डिफाइन किया गया? वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, और सेकंड क्या था, जो तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, या कॉम्पटन इफेक्ट था, या फिर मैं कह दूं तुम्हारे पास स्टार्क इफेक्ट था। ठीक है, ये सब क्या किए गए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की वजह से, लाइट की हेल्प से क्या गए, एक्सप्लेन किए गए। तो हम क्या कहेंगे यहां पे, हेयर वी कैन से, हेयर नाउ वी कैन से लाइट शोज बोथ नेचर ऑफ, बोथ नेचर एज वेव एंड पार्टिकल, की लाइट के पास दोनों ही नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और तुम्हारे पास क्या है, वेव नेचर भी है। बट ये ध्यान रहे, कहीं कहीं वो तुम्हें वेव के रूप में दिखेगी, ठीक है, डिपेंड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वेव के रूप में दिखेगी और कहीं कहीं पार्टिकल के रूप में दिखेगी, पर कहीं भी वो दोनों तुम्हें एक साथ नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं वो तुम्हें एक साथ दिख रही है, वेव भी और पार्टिकल भी नहीं, या तो वेव दिखेगी या क्या दिखेगा, पार्टिकल नेचर दिखेगी। इसके बाद इसी क्रम में आगे चलते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन करने के लिए, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उसे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, इसको तुम इस एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, कि कहीं कोई चीज है वो धसी हुई है, ठीक है, मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर कुछ धसा हुआ है, तो उस चीज को तुम बाहर निकालने के लिए, तुम क्या करने के लिए, बाहर निकालने तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, वो एनर्जी जो है वो तुम्हारी क्या होती है, एक उसको अगर तुम डिफाइन करो तो वो वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हम अभी और देखेंगे, उससे पहले एक चीज और देखो, कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, कहने को फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल सरफेस से क्या होता है, बाहर आता है, क्यों, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं ना, मेटल सरफेस के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा, तो उस मेटल पे क्या आ गया, उस मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि पहले मेटल क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, मेटल पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो मेटल पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कभी बाहर जा ही नहीं पाया, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो ही नहीं पाया। इसीलिए क्या जरूरी है, कि हम उसको कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें कि वो उसको अट्रैक्ट करने करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है,
उसको उससे वो फिर भी बाहर भाग जाए, इतनी हम उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें। तो इसी प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सरफेस छोड़ने के लिए, उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। तो अब देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस, इट इज डिफाइंड एज वर्क फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फाई नोट से। ठीक है, तो वर्क फंक्शन तुम्हारा क्या है? मिनिमम एनर्जी तुम्हें चाहिए किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले आने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, इट्स वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ, इट्स वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की नेचर के ऊपर तुम्हारी वर्क फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन मैं लिखा दूंगा। ठीक है, अब बात करें किसी किसी का वर्क फंक्शन की बात करूं तो सीजियम जो है तुम्हारे पास, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो कितना होता है तुम्हारे पास? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो भी जो कि किसी भी मेटल के लिए क्या है, किसी भी मेटल में से मिनिमम है। और फाई ऑफ तुम्हारे पास जो प्लेटिनम है, क्या है? प्लेटिनम जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास यहां पे मैंने यूज किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो देख लो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस इट्स एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास आता है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन इमिशन। हम इलेक्ट्रॉन इमिशन पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब भी तुम्हें थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, कि इलेक्ट्रॉन जो इमिशन है तुम्हारा ये कितने तरीके का होता है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास पहला आता है थर्मोआयनिक इमिशन। ठीक है, सेकंड आता है तुम्हारे पास इसके अंदर फील्ड इमिशन, थर्ड आता है तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, और फोर्थ आता है तुम्हारे पास सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हारे पास जो थर्मोआयनिक इमिशन होता है ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ, इसकी डेफिनेशन देख के तुम्हें पता चल जाएगा,
द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, या कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए मेटल इज हीटेड। कि एक मेटल को तुमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, एक मेटल को तुमने हीट दी, हीट देने से उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या आ गए, एनर्जी लेकर के बाहर आ गए, इसको क्या कहते हैं, थर्मोआयनिक इमिशन। सेकंड है फील्ड इमिशन, ये क्या, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वी अप्लाई ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, फील्ड अक्रॉस द मेटल। कि मेटल के अंदर तुमने एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोल लगा के, ठीक है, तुमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेके जो तुमने इलेक्ट्रॉन का इमिशन किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन। यहां पर लिख दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वी इंसिडेंट लाइट ऑफ सफिशियंट एनर्जी। कि जब तुम एक सफिशियंट एनर्जी की क्या करते हो, लाइट इंसिडेंट करते हो किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, वो एनर्जी लेके उस लाइट से क्या करते हैं, सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो कि हमारा क्या है, मेन टॉपिक, इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास है सेकेंडरी इमिशन। इसमें तुमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वी इंसिडेंट हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑन ए मेटल सरफेस एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि तुमने एक मेटल सरफेस के ऊपर क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर दिए, वो अच्छी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनको टक्कर मारी, तो उनकी आधी एनर्जी इनको ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर और वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर, जो अभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इमिट हुए, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इमिशन चार तरीके से हो सकता था, वो हमने देख लिया। इसके बाद देखो हमारे पास, हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं अब जो नया टॉपिक आता है, जो कि तुम्हारे सिलेबस का पहला टॉपिक है। अब तक जो पढ़ा था वो सिर्फ नॉलेज के लिए था, ठीक है। अब तुम्हारे पास टॉपिक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले इसकी एक बढ़िया और अच्छी डेफिनेशन लिखेंगे, वो देखो क्या हो जाएगी, द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्रीफेबली मेटल सरफेस एक्सपोज टू लाइट एनर्जी ऑफ सुटेबल, एक्सपोज टू लाइट
एनर्जी ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि तुमने जब मेटल सरफेस के ऊपर एक सफिशियंट एनर्जी या कह दो सफिशियंट फ्रीक्वेंसी या की जब लाइट इंसिडेंट की है तुमने किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो उस मेटल सरफेस से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दिस करंट इज डिफाइंड एज फोटो करंट एंड दिस इफेक्ट इज डिफाइंड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसका अगर डायग्राम देखना चाहो तो इसका डायग्राम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या था, कोई भी मटेरियल था, मेटल था, उसके ऊपर ये क्या हो रही थी लाइट इंसिडेंट हो गई। ठीक है, और इस लाइट से तुम्हारे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, इस लाइट को एब्जॉर्ब करके तुम्हारे जो ये मेटल के अंदर क्या थे इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे, उनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये तुम्हारे पास क्या था फोटोन था, ये क्या थे तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ये तुम्हारे पास फोटोन हो गया और ये तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसी चीज को मैं क्या कर दूं एक सर्किट बना लूं तो उसे क्या कहेंगे, जो सर्किट बन जाएगा उसमें करंट फ्लो हो रही होगी, उस करंट को क्या कह देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। ठीक है, या फोटो करंट कह देंगे। ठीक है, और ये जो मटेरियल है इसको क्या कहते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये फोटोन के लिए क्या है सेंसिटिव है, लाइट के लिए क्या है सेंसिटिव है। ठीक है, इसके बाद बात आती है ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट शुरू कहां से हुआ था, सबसे पहले ये चीजें किसने देखी थी। ठीक है, तो ये तुम्हारी चीजें सबसे पहले देखी थी हर्ट्ज ने, किसने, हर्ट्ज ने, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। स्टडिंग एक्सपेरिमेंटली द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज, जब वो स्पार्क डिस्चार्ज की हेल्प से ईएम वेव जनरेट करने का ट्राई कर रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा कि एक मटेरियल के ऊपर जब क्या की जाती है लाइट इंसिडेंट की जाती है, ठीक है, जो स्पार्क वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो स्पार्क है वो बढ़ जाता है, वो स्पार्क क्यों बढ़ा उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा। ठीक है, वो क्यों बढ़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया। ठीक है, और फिर इस एक्सपेरिमेंट को आगे लेके गए तुम्हारे कौन, विलियम, साइंटिस्ट थे दो तुम्हारे विलियम एंड लेनार्ड। ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट तुम्हारे पास आएंगे विलियम एंड लेनार्ड, अब वो क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट की चीजें देखेंगे। ठीक है, लेनार्ड ऑब्जर्व फ्लो ऑफ करंट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन एक्सपोज्ड ऑन इमिटर प्लेट ऑफ एन इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर लिखो सबसे पहले तुम लेनार्ड ऑब्जर्व फ्लो ऑफ करंट, ऑब्जर्व फ्लो ऑफ करंट When ultraviolet, when UV light is incident on emitter plate the electrons The electrons comes out from the metal surface
ठीक है, ये चीज उन्होंने देखी और इसी बेसिस पे वो आगे चलते गए। ठीक है, उन्होंने देखा दूसरा मटेरियल ले लिया, ठीक है, या फिर जो नेगेटिव प्लेट थी उसके ऊपर जब लाइट डालते हैं तो तुमसे इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल मेटल प्लेट ले ली, उस पर लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अगर पॉजिटिव थी तो इलेक्ट्रॉन निकल गए और पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे विलियम और लिनार्ड, पहले तुम्हारे हर्टज ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की थी, कैसे, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब ट्यूब के अंदर, इन्होंने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब थी एक, ठीक है, इसके अंदर जब वो ईएम वेव जनरेट करने का, ईएम वेव जनरेट करने का ट्राई किया था, ठीक है, तब उन्होंने देखा था कि उसके अंदर एक प्लेट से क्या होते हैं, एक प्लेट पे लाइट डालने पे जो स्पार्क्स हैं, जो ट्यूब है तुम्हारी इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब, उसके अंदर स्पार्क क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। पहली चीज उन्होंने देखी, उसके बाद विलियम और लिनार्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, तब उन्होंने क्या देखा कि लिनार्ड ऑब्जर्व्ड फ्लो ऑफ करंट व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन इमीटर प्लेट। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, कि लिनार्ड और विलियम ने क्या देखा कि जब भी तुम इमीटर प्लेट के ऊपर क्या डाल रहे हो, लाइट डाल रहे हो, जैसे कि तुम अगर ये सर्किट बना लो, यहां पे सर्किट बना लो, ये तुम्हारी क्या है, इमीटर प्लेट है, इसके वजह से तुम लाइट इंसिडेंट करोगे तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस कलेक्टर पे क्या लगा दिया जाएगा, अगर वोल्टेज लगा दी जाए, ठीक है, इसको प्लस वी लगा दिया जाए, इसको माइनस वी लगा दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये सर्किट बनेगा, सर्किट बनेगा तो इसके अंदर क्या होगी, करंट फ्लो होगी, क्या होगी, करंट फ्लो होगी तुम्हारी। ठीक है, ये विलियम और लिनार्ड ने बताया था। अब देखो हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में चीजें ऐसे आनी शुरू हुई। ठीक है, इसके बाद अब इसका प्रैक्टिकल देखा गया, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया, ठीक है, और इसके बारे में कंप्लीट स्टडी देखी होगी, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उन्हें क्या क्या डिफाइन की जाती है। फिर जब तुम्हारे सामने कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस आ जाती है कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है, उसके बाद दो फेनोमेना आएंगे, पहला आएगा क्लासिकल थ्योरी, मतलब वेव थ्योरी ट्राई करेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, उसके बाद आएगी क्वांटम थ्योरी, मतलब आइंस्टाइन भाई साहब, आइंस्टाइन ट्राई करेंगे या क्वांटम ट्राई करेगी इसको एक्सप्लेन करने की, और तुम्हारा जो क्लासिकल है वो ट्राई करेगा इसको एक्सप्लेन करने की, मतलब वेव ट्राई करेगी और पार्टिकल ट्राई करेगा, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये कंप्लीट फेनोमेना डिफाइन होगा किससे, पार्टिकल नेचर से, पार्टिकल नेचर से डिफाइन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमें शो करता है कि यहाँ पे लाइट किसके रूप में थी, पार्टिकल नेचर के रूप में थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अभी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सब में सबसे पहले तुम बनाओ इसका डायग्राम। ठीक है, सुंदर सा एक डायग्राम बनाओ इसका, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो ये अपने आप डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी कराने के बाद मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि तुम्हें कब जब क्वेश्चन देखो तो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रहे कहां पे क्या क्या है। ठीक है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, असाइनमेंट रहेगा, टेस्ट रहेगा, वो तुम्हारी हेल्प करते हैं पेपर के अंदर मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है, तो नॉलेज जरूरी है वो थ्योरी से आएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो तुम्हारी क्वेश्चन से आती है, मार्क्स उधर से आते हैं, ये तुम्हारे पास है, इसको लिख लो तुम, चलो पहले बना लो इसको।
ये तुम्हारा डायग्राम बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया माइक्रो एमीटर सर्किट में करंट मेजर करने के लिए, ये तुम्हारे पास वोल्ट मीटर लग गया। वोल्ट मीटर लगता है हमेशा पैरेलल में, माइक्रो एमीटर लगता है हमेशा सीरीज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी ये लग गई तुम्हारी बैटरी, और यहाँ पे ये क्या है, क्रॉसिंग है, क्यों, वो तुम्हें अभी 5 मिनट बाद पता चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास इधर क्या आ गया, सन आ गया। सन क्यों शो किया है, ताकि इससे लाइट आके फोटोन आ रहे हैं, और ये क्या है तुम्हारा, इनको नाम दे दिया जाए। ये तुम्हारे पास यहाँ पे, ये तुम्हारे पास है कैथोड, क्या है, कैथोड। ये तुम्हारे पास है एनोड, ये तुम्हारे पास है इविकेटेड ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, कम्यूटेटर। ये तुम्हारे पास क्या है, क्वार्टर्स विंडो, क्वार्टर्स विंडो है, खिड़की है, ठीक है। और इधर से तुम्हारे निकल रहे हैं कैथोड से इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारे पास एनोड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, या इधर ये मटेरियल कौन सा है, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव। अगर तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ गया तो तुम्हें पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोटो सेंसिटिव मेटल, या लिख दो मटेरियल, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया सन, इधर से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इसमें क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है। इट हैव ए इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इसके अंदर क्या होता है तुम्हारे पास, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। और जो कैथोड होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। इसके अंदर एक क्वार्टर्स क्या होती है, विंडो होती है। क्वार्टर्स विंडो क्यों, ताकि उससे क्या हो सके, तुम्हारी लाइट आ सके। लाइट इसमें कौन सी यूज होती है, यूवी लाइट तुम कह सकते हो, इसमें यूज होती है, ठीक है। बाकी लाइट भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है मटेरियल पे कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी सफिशियंट एनर्जी तुम्हें चाहिए, उतनी ही एनर्जी की तुम्हें लाइट यूज करनी पड़ती है, ठीक है। उससे ज्यादा ही कर सकते हो, उससे कम की नहीं कर सकते, और उससे बहुत ज्यादा की भी नहीं करनी है। बहुत ज्यादा करोगे तो यहाँ पे पेनिट्रेशन हो जाएगा मेटल के अंदर। और जो कैथोड है तुम्हारा और जो एनोड है, इसको एक कम्यूटेटर को यूज करके, कम्यूटेटर यूज करके क्या करते हो, कैथोड को पहले नेगेटिव से और एनोड को पहले पॉजिटिव से तुम कनेक्ट करते हो। कम्यूटेटर का रोल क्या है, बाद में जब तुम्हारा मन करे या नीड हो, ठीक है, तो कम्यूटेटर को जब तुम उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा कैथोड है ये किससे कनेक्ट कर दोगे, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे, और जो तुम्हारा एनोड है ये किससे कनेक्ट कर दोगे, नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे। ऐसा क्यों करोगे, वो आगे पता चलेगा, ठीक है। इसके अंदर वोल्टेज मेजर करने के लिए कि वोल्टेज कितनी लगी है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे और माइक्रोमीटर लगाएंगे देखने के लिए कि इसमें करंट कितना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेटअप वी हैव एन इवैक्यूएटेड glass tube and this tube has a quartz window so light can come in with the help of this window, ya likh do, थ्रू दिस विंडो, ठीक है। कैथोड
यह इसको क्या बोल सकते हो, इमीटर, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। इमीटर इज मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, और यहां पे क्या आ जाएगा, कैथोड एंड एनोड इज कनेक्टेड विद बैटरी टू एक्सीलरेट एंड डी एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स इन बैटरी, या लिखो टू कनेक्ट बैटरी, ठीक है, लिख दो इन बैटरी सर्किट, लिख दो इन बैटरी सर्किट वी यूज ए कम्यूटेटर, ए कम्यूटेटर सिस्टम, सो वी कैन पुट एनोड ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू एंड नेगेटिव पोटेंशियल कंपेयर टू कैथोड। ठीक है, टू नोट डाउन द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज वी यूज माइक्रोएमीटर Why माइक्रोमीटर? Because अब आप कह दोगे इसमें हम एमीटर यूज कर लेते हैं, माइक्रोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो करंट जनरेट होगी वो कौन से ऑर्डर की होगी, माइक्रोमीटर की। वी यूज माइक्रोमीटर एंड वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। ठीक है, ये तुम्हारे पास कंप्लीट सर्किट का डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, फोटो सेंसिटिव जो मटेरियल है तुम्हारे प्लेट है, इसके ऊपर जैसे क्या होती है, लाइट आके इंसिडेंट होती है, तो लाइट आके इंसिडेंट होती है तो इस प्लेट से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है, इस टाइम क्या है, तुम्हारा जो कैथोड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है और जो एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो क्या होगा, निकले हुए इलेक्ट्रॉन को कैथोड क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जो एनोड है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, एनोड पे आते जाएंगे। ये तुम्हारा सर्किट क्या है, जब बंद है, सर्किट क्या है, क्लोज है, सी नेगेटिव से ए पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेंगे तो क्या हो रही होगी, करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब इसकी हम इस तरीके से स्टडी कर लेंगे, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, चीजें नोट करते जाएंगे, इंटेंसिटी चेंज करेंगे, ठीक है, देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे लाइट की, देखेंगे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, जब ये सारी चीजें नोट कर लेंगे तब हम एक चीज और देखना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है, और इनको रोक कैसे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कम्यूटेटर का यूज करेंगे, कम्यूटेटर का यूज कैसे करेंगे, अब हम कैथोड को रख देंगे पॉजिटिव से और एनोड को क्या कर देंगे, रख देंगे नेगेटिव से, ताकि जो तुम्हारे कैथोड से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है, कैथोड से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड से क्या हो जाए, रिपेल हो जाए, एनोड से रिपेल होंगे, एनोड तक पहुंचेंगे नहीं, हमें वही देखना है कि कितनी पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर एनोड तक वो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे। ठीक है, ये सारी चीजें कहां आ जाएगी हमारे पास, हमारी ऑब्जर्वेशंस में आ जाएगी, हम जो प्रैक्टिकल डाटा लेंगे उस टाइम में तुम्हारे साथ जब बात कर रहा हूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की, इंटेंसिटी की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, आइंस्टाइन इक्वेशन की, तब ये सारी चीजें तुम्हें वहां काम आने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर हम बैटरी लगाई है, ठीक है, और ये मूवेबल है, मूवेबल मतलब हम इसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो करंट है, ठीक है,
उसके ऊपर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर देखेंगे जो करंट है उस पर क्या फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सारे हम इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा अभी क्या है, ऑब्जर्वेशंस वाले मामले में इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। फोटो करंट के ऊपर तुम्हारा इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है, ठीक है। जब तुम क्या करके फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे, ठीक है, एसिलेटिंग पोटेंशियल को कांस्टेंट रखे, इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो तुम्हारी जो फोटो करंट है और जो इंटेंसिटी है उसके जो ग्राफ होता है तुम्हारा, वो कुछ तुम्हें इस तरीके का मिलता है। तुम्हारी ये करंट थी, आई इधर थी, ठीक है, स्मॉल आई से लिखूंगा करंट को हमेशा, और ये तुम्हारी इंटेंसिटी थी। इनके बीच में ग्राफ कैसे आता है, कंप्लीट प्रोपोर्शनल वाला आता है, कि जो तुम्हारी जो करंट है वो डिपेंड किस पे कर रही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जब तुम्हारी इंटेंसिटी हाई है तो करंट हाई है, इंटेंसिटी हाई नहीं है तो करंट हाई नहीं है। अब यहां पे तुमने कंसीडर क्या किया है कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट वो भी क्या ले ली, कॉन्स्टेंट ले ली, और जो पोटेंशियल है वी, पोटेंशियल जो वी है उसको भी क्या ले लिया, कॉन्स्टेंट ले लिया। तो इसमें तुम क्या लिखोगे, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिड कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द आइसोलेटिंग पोटेंशियल फिक्स्ड एंड रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड ईच टाइम, ठीक है। तुम लिखोगे व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लाइट एंड द एसिलेटिंग पोटेंशियल किप्ट कॉन्स्टेंट वी सी फोटो करंट इंक्रीज विद इंटेंसिटी इंटेंसिटी एज कंप्लीट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, कि जो तुम्हारी इंटेंसिटी और करंट के अंदर जब वो ग्राफ बनाया गया तो वो हमें कुछ इस तरीके का मिला। इसमें तुम देख सकते हो जो आई है तुम्हारा जो करंट है वो कंप्लीटली इंटेंसिटी पे वेरी कर रहा है और उसी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बात देखो, जो करंट होगी, फोटो करंट होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन्स पे। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा आने पर नंबर ऑफ क्या बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस से बाहर आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो करंट बढ़ी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में बाहर आ रहे हैं वो बढ़े, ठीक है। या मैं कह दूं इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहां पे हो गई। इसके बाद बात करें पोटेंशियल का, देखें कि ये पोटेंशियल से कैसे डिपेंड कर रही है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इसमें देखो तुम्हारा ग्राफ कैसा आता है कि जब तुम क्या करते हो, जब तुम पोटेंशियल इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ गया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा और उस प्लेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। मतलब 50 इलेक्ट्रॉन थे बाहर आ गए थे तो 50 को 50 खींचने की ट्राई करेगा, तो करंट क्या होगी तुम्हारी, बढ़ेगी। करंट क्या होगी, बढ़ेगी। पर इसके अंदर ये ध्यान रखो तुमने क्या कर रहा है, इंटेंस, जैसे इसका ग्राफ बनाऊं मैं, ठीक है, इसका अगर तुम ग्राफ बनाओ,
किस किस को कॉन्स्टेंट रखे, वही सारी चीज फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रखी है तुमने, और इंटेंसिटी जो आई है वो भी क्या रखी है, कॉन्स्टेंट रखी है, ठीक है। अब तुम वोल्टेज की वैल्यू क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो करंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी, वो ग्राफ तुम्हें कैसे मिलता है, तुम्हें कुछ ऐसे मिलता है। ये करंट तो सर्किट में पहले से ही थी थोड़ी बहुत, तो ऐसे मिलता है, ठीक है। अब अगर अलग अलग इंटेंसिटी की बात करूं तो ये ग्राफ तुम्हें ऐसे मिलेगा। तुम्हें ये तो पता ही था इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट तो बढ़ेगा ही, तो ये इंटेंसिटी हाई है, ये उससे कम इंटेंसिटी है और ये उससे कम इंटेंसिटी है, तो ये तुम्हारे साथ यहां पे क्या है, करंट बढ़ रहा है। करंट को हम कैसे लिखते हैं, करंट को कैसे लिखते हैं, स्मॉल आई से लिखते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आई। अब देखो बात, अब मैं एक चीज यहां पे और क्या करना चाहता हूं, अब मैं एक चीज यहां पे ये करना चाहता हूं, ये तुम्हारे पास यहां पे क्या थी, वोल्टेज थी, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लें, ठीक है। व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल, या लिखे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट, देन वी सी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट लिख दो, फोटो करंट इंक्रीज डायरेक्टली विद पोटेंशियल, बट आफ्टर सम टाइम फोटो करंट बिकम कॉन्स्टेंट, बिकम कॉन्स्टेंट, ठीक है। कि हुआ क्या, कि तुम्हारे पास डायग्राम कहाँ है, ये रहा, कि तुमने क्या किया, इसका पोटेंशियल बढ़ाया, ठीक है। पहले सपोज दैट यहां से क्या निकले, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। अब ये उनको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये उनको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तुम्हारा एक जो एनोड का पोटेंशियल है वो थोड़ा सा था, मतलब मान लो 1 वोल्ट था, तो 1 वोल्ट से खींचने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन स्लो स्लो है उनको, जो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट है केवल उनको ही खींच पा रहा है, ठीक है, जो स्लो है उनको नहीं खींच पा रहा। फिर तुमने क्या देखा कि जैसे ही तुमने और एनोड का पोटेंशियल बढ़ा दिया, एनोड को और पॉजिटिव कर दिया, तो ये क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा था, मतलब जो बाहर आ गए उनसे काफी ज्यादा खींच लिए, और पोटेंशियल बढ़ाया तो ये सारे खींच लिए, मतलब जितने बाहर आ गए थे सारे खींच लिए। अब जब इसने सारे खींच लिए हैं, तो जब चाहे तुम और पोटेंशियल बढ़ाते रहो, ये और किसी को खींच सकता है क्या, नहीं खींच सकता, क्यों, क्योंकि वो कैथोड से क्या नहीं निकले, बाहर ही नहीं निकले, एनोड कैथोड से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता, पर जो बाहर निकले हुए हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है। बाहर को निकालेगा, तुम्हारा जो फोटोन आ रहा है, जो लाइट आ रही है वो वाली, ठीक है। इसीलिए एक टाइम के बाद पोटेंशियल चाहे कितना मर्जी बढ़ाते रहो, जो तुम्हारी करंट है वो आके जाके क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट हो रही है, ठीक है, करंट बिकम कॉन्स्टेंट, एंड दिस करंट इज, दिस कॉन्स्टेंट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट, ठीक है, सैचुरेशन करंट इज, करंट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब तुमने क्या, तो यहां पे हमने देखा कि व्हेन वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड प्लेट, देन वी सी फोटो करंट इंक्रीज डायरेक्टली विद पोटेंशियल, By after some time, photocurrent become constant and this constant current is called as saturation current. अब ये saturation क्यों हो गया? क्योंकि देखो, when we increase the positive potential of anode. जब हम एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टू एनोड इज इंक्रीज्ड दैट आर
इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, कि जैसे ही तुमने क्या किया, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाया, तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रखे थे वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तुम पोटेंशियल और बढ़ा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जितने भी बाहर थे वो सारे के सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, अब चाहे तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते रहो, तुम्हारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो उस पर अट्रैक्टेड होने थे वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, मतलब जो करंट थी तुम्हारी वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे तुम्हारे अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़े, तुम्हारी क्या बढ़ेगी, करंट क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, बट ये सब क्या है, एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद ये सब दोनों क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड, ठीक है। अब एक चीज और देखो, व्हेन वी चेंज द पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ एनोड मीन नाउ एनोड विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब क्या होगा, अगर तुम एनोड का जो पोटेंशियल है वो क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, तो क्या होगा कि जो तुम्हारे पास यहां से ये जो प्लेट थी ऐसा ही कुछ था ना इसके अंदर, कि यहां पे तुम्हारे पास क्या था, कैथोड था, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये तुम्हारा एनोड था, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव हो तो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर देगा। अगर अब मैं क्या कर दूं, लाइट आने के बाद जब अगर इसे इलेक्ट्रॉन क्या रखे हैं, इमिट हो रखे हैं, अब मैं एनोड को क्या कर दूं, नेगेटिव पे रख दूं, नेगेटिव पे रखूंगा तो क्या होगा, ये जो एनोड है तुम्हारा, अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसके बाद भी क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाई थी, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जाके एनोड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, पर जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, लो थी, ठीक है, या बिल्कुल ही मरे मरे थे, उनके पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, उनको एनोड क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, और वो इलेक्ट्रॉन अब इसके ऊपर ऐड नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, मतलब करंट बनाने के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि वो पूंज नहीं रही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाता जाता हूं, तो रिपल्सन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब जो कम एनर्जी वाले थे या उससे थोड़ी सी ऊपर एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, अब वो भी नहीं पहुंच पा रहे, तो धीरे धीरे नेगेटिव के अंदर पोटेंशियल बढ़ाने में क्या होगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचने वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचने वाले कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा नेगेटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू इस पे आएगी जिसके ऊपर तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एनोड के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, तुम्हारा फोटोकरंट जीरो हो जाएगा, फोटोकरंट जीरो मतलब नो इलेक्ट्रॉन विल रीच एनोड, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल जिसके ऊपर तुम्हारे जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी एनोड पे नहीं पहुंच पा रहा, मतलब करंट जीरो हो जा रही है, उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल होगा, तुम्हारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, मतलब कह सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो इसका अगर तुम डायग्राम देखो, कंप्लीट में डायग्राम बनाऊ इसका, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल को या स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्लूड करते हुए, तो कैसा बनेगा तुम्हारा, कुछ ऐसा बनेगा, देखो तुम्हारे पास मैं इस एक्सिस पे एज यूजुअल क्या ले रहा हूं, फोटो करंट आई इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे तुम्हारा पोटेंशियल है, ठीक है, और इस पे क्या लिखोगे, कोलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, या कह दो एनोड का पोटेंशियल, ठीक है, प्लेट पोटेंशियल, ठीक है, इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल, या बोल दो नेगेटिव पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो फोटो करंट था उसको रिटार्ड कर रहा है, कम कर रहा है, रिटार्डिंग पोटेंशियल, या कह दो पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। इसका अगर तुम ग्राफ बनाओ, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए बनाओ, तो ये क्या आएगा तुम्हारा ग्राफ, कुछ इस तरीके का ये तुम्हारा ग्राफ आएगा, थोड़े टाइम तक ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, और थोड़े टाइम तक इंक्रीज होने के बाद आगे क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये तुम्हारे इंटेंसिटी आई वन के लिए था, अगर और इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पर जो इंटेंसिटी बढ़ाने पर तुम्हारी करंट की वैल्यू तो बढ़ेगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पॉइंट है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी,
ठीक है, इधर तक आके ये फिर तुम्हारे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये आई थ्री है, ये आई टू है। इट इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी। आई आई कैपिटल आई इज हियर अबाउट इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, आई थ्री है, आई टू है और आई वन है। ओके, अगर मैं बात करूं अब फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी यहाँ पे न्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब नेगेटिव पोटेंशियल वाली चीज हमने लिखनी है अभी, है ना। अब यहां पे तो लिखो, तुम लिखोगे व्हेन एनोड इज नेगेटिव, एनोड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल देन एट एट ए वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। नेगेटिव साइड के अंदर पोटेंशियल को तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो एक वैल्यू तुम्हारे पास माइनस वी नॉट ऐसे जाती है, देन एट ए वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, इसको लिख दो वी नॉट, फोटो करंट बिकम जीरो। इट सिग्निफाइज दैट, इट सिग्निफाइज दैट, ये तुम्हें ये सिग्निफाइज कर रहा है, ये बता रहा है नो फोटो इलेक्ट्रॉन हैज रीच्ड टू एनोड, ठीक है। इस वैल्यू के ऊपर तुम्हारी क्या हो जाती है कि मैक्सिमम एनर्जी वाला जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो भी तुम्हारा एनोड तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट है, ठीक है, वी नोट से जो एनर्जी मिलती ev नोट, ये किसके इक्वल हो जाएगी तुम्हारी k मैक्सिमम के, मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के इक्वल, ठीक है। या फिर लिख दो एट दिस पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो नॉट एबल टू रीच एनोड, ठीक है। के मैक्सिमम इजिकल टू ईवी नोट आ गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्पॉटिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसके अंदर तुमने सब लिख ही दिया था, ये तुम्हारा क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसमें लिखोगे व्हेन वी कीप द इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट एंड वी चेंज द फ्रीक्वेंसी टाइम बाय टाइम देन वी गेट ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड पोटेंशियल एज गिवन फ्लो,
एज गिवन बिलो। ये तुम्हारा ग्राफ कैसा था देखो, ये ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरीके का आएगा। ये तुम्हारे पास इधर फोटो करंट थी ही, ठीक है, इधर तुम्हारे पास पोटेंशियल था। अब तुम क्या कर रहे हो, इंटेंसिटी तुमने क्या रख दी, एक ही रख दी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो ग्राफ आ रहे हैं तुम्हारे कुछ इस तरीके से। ग्राफ कौन सा ग्राफ है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद ग्राफ बनाया वो वाला ग्राफ है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टॉपिंग, इनकी जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो न्यू थ्री है, इसकी है वो न्यू टू है, इसकी है वो न्यू वन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो वी थ्री है, वी जीरो टू है, और ये वी जीरो वन है, सारे के सारे नेगेटिव में है, ठीक है। और इंटेंसिटी जो तुम्हारी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओके। इन ऑब्जर्वेशन से तुम क्या बता सकते हो, एज वी सी बाय प्रैक्टिकल ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखे तो इन नेगेटिव, इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू थ्री ग्रेटर देन न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वी थी, तो तुम्हारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जीरो वी थ्री इज ग्रेटर देन जीरो वी टू एंड ग्रेटर देन जीरो वी वन। बट ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे क्या थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल थे, ठीक है। और करंट इन तीनों के लिए क्या थी, करंट सेम थी, आई क्या थी तीनों के लिए, सेम थी, बिकॉज इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी। तो इंटेंसिटी तुम्हारी किस पे वेरी कर रही है, आई पे वेरी कर रही है। जो तुम्हारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अब एक पॉइंट इसमें यह भी लिख देते हो, लिख सकते हो, वी गेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, जैसे कि फोर डिफरेंट मैटर्स, ये लिख दो, फोर डिफरेंट मेटल्स, ये तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेटल थे, उनके बीच में अगर तुम ग्राफ बनाओ, किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ये तुम्हारा कैसा आता है, यहाँ पे अगर तुम फ्रीक्वेंसी न्यू ले रहे हो, यहाँ पे तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ले रहे हो, ठीक है, वेरी कर रहा है ये, तो ये कुछ ऐसा आता है। ये एक मटेरियल है उसके लिए ऐसे, और दूसरे मटेरियल के लिए कुछ ऐसे, ठीक है, दिस इज मटेरियल ए, दिस इज मटेरियल बी, तुम इससे क्या देख रहे हो, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू तक तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, जीरो था, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, रोकोगे किसको, ठीक है, तो कोई पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं, फिर ही रुक गया। तो फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, उससे आगे जाना जरूरी है, अगर तुम्हें क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, या इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। मेटल बी है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तुम्हारी को न्यू टू कह दो, ठीक है, इस तरीके से। इस ग्राफ से तुम क्या बता सकते हो, और ये चीज भी देख सकते हो कि जो तुम्हारा न्यू है वो इसके लिए ग्रेटर देन न्यू वन होना चाहिए, और इसमें न्यू इज ग्रेटर देन न्यू टू होना चाहिए, अगर तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करना है। तो ये मेटल ए हो गया, ये मेटल बी हो गया, ठीक है।
इस ग्राफ से तुम क्या क्या नोट कर सकते हो? पहला पॉइंट इस ग्राफ से तुम नोट कर सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंस्टेड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, लीनियरली वेरीज लीनियरली, कि जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो जो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी न्यू है उसके साथ लीनियरली क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें तुम क्या लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट ए कट ऑफ या फिर कह सकते हो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच मटेरियल कह दो। ठीक है, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी, कि ये इस फ्रीक्वेंसी से कम होने पर, जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होने पर, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और तुम ये लिख सकते हो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक चीज यहां पे क्या लिख सकते हो, वट एवर द इंटेंसिटी कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है तो तुम्हारे इस बार तुम्हारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ऑब्जर्व ही नहीं होगा, वट एवर द इंटेंसिटी। ठीक है, चौथा पॉइंट तुम इसमें लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू स्टॉपिंग पोटेंशियल कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड तुम्हारी जितनी भी एनर्जी है वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या तुम इसमें क्या लिख सकते हो, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ठीक है, एज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, इंस्टेड ऑफ इंटेंसिटी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विल बी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी इंस्टेड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला लिखाई दिया कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और इसमें कुछ पॉइंट तुम और ऐड कर सकते हो, देयर इज
नो टाइम लैग, टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज इट इज ए इंस्टेनियस इन स्टे टेनियस प्रोसेस। ये तुम्हारा क्या होता है? इंस्टेनियस प्रोसेस होता है, उसी टाइम हो जाता है। टाइम की अगर बात करो तो इसमें कितना टाइम लगता है? 10^-9 सेकेंड की अप्रोक्स के अंदर टाइम लगता है, ठीक है। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी, वो हो गया कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उससे कम अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, चाहे कुछ भी तुम क्या कर दो, उसकी इंटेंसिटी रख दो, ठीक है, तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। और अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ठीक है, और चाहे उसकी इंटेंसिटी कुछ भी है, मतलब चाहे लाइट डिम भी है, ठीक है, तो भी तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा? ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना देखने के बाद अब तुम क्या कह सकते हो कि तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ लॉज मालूम चल गए, ठीक है, लॉज मालूम चल गए, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली जो चीजें तुम्हें समझ में आई उनको कहते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको ट्राई की जाएगी इसके बाद क्लासिकल से भी और क्वांटम से भी एक्सप्लेन करने की ट्राई की जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से तुम क्या क्या देखते हो, ठीक है। तो इसके अंदर तुम पहला पॉइंट लिखते हो क्या? सबसे पहले तुम ही बताओ, देयर एग्जिस्ट ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट्स वैल्यू इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मटेरियल कह दो, ठीक है। दूसरा लिखो, क्या लिखोगे? फोटो करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी बट नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद तुम लिखोगे, क्या लिखोगे और बताओ? इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जितने टाइम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब क्या जाएंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो फोटो करंट क्या हो जाएगी? तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ाने पे बढ़ जाएगी, ठीक है। और लिख सकते हो तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट। कैसे? जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है तो क्या हो जाएगा? ई वी नॉट इज इक्वल टू के मैक्सिमम, या फिर कह दो 1/2 mv² मैक्सिमम, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। चौथा पॉइंट तुम इसमें लिखोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेनियस इन सटे टेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग इन इट। कि
कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही तुम इस पे रेडिएशन इंसिडेंट करते हो, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो करंट क्या करती है, डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, बट आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है, वो सैचुरेट हो जाती है। तो क्या लिखोगे, सैचुरेशन करंट एग्जिस्ट एज आफ्टर पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, तुम्हारी जो करंट है वो डिपेंड करती है, ठीक है। सैचुरेशन करंट एग्जिस्ट एज, इसमें लिखोगे, इसको दोबारा लिखो, देखो इसमें लिखोगे करंट वेरीज विद पोटेंशियल अप टू ए लिमिट आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम पोटेंशियल इट गेट्स, जो तुम्हारी करंट है वो क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है एज ऑन दिस पोटेंशियल, कि जिस पोटेंशियल के ऊपर तुम्हारी जो करंट थी वो सैचुरेट हो गई, ऑन दिस पोटेंशियल ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन रीच्ड ऑन एनोड या कह दो कलेक्टर प्लेट, ठीक है। ये तुम्हारी कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस आ गई, किसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और जो जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का उसके बेस पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम्हारी क्लासिकल थ्योरी आएगी, क्लासिकल थ्योरी मतलब वेव नेचर ऑफ लाइट, वो आएगी और डिफाइन करने का ट्राई करेगी। अगर वो डिफाइन नहीं कर पाती है तो फिर हमारे पास क्या आएगी, क्वांटम आएगी, ठीक है। वरना यही देखो ना, क्वांटम आई क्यों, तुम वो पार्टिकल नेचर आया क्यों, जब इसको क्लासिकली डिफाइन कर दे तो हमें क्वांटम की जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्लासिकल डिफाइन कर सकती थी, क्या क्लासिकल ने डिफाइन किया, क्लासिकल मतलब वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो वही हम अभी देखेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक डालो, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। ट्वेंटी सेंचुरी से पहले क्या था कि तुम्हारे पास लाइट का वेव नेचर डिफाइन था, क्या था, लाइट का वेव नेचर डिफाइन था, जिसके बेसिस पे तुमने क्या कर लिया था, इंटरफेरेंस को डिफाइन कर लिया था, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया था और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया था, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो क्या मान लिया गया कि जब हमें वेव नेचर का ही बताया तो मान लेते हैं कि वेव नेचर की हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन कर सकते हो, अगर तुम डिफाइन कर सकते हो तो, ठीक है। लाइट की अगर वेव नेचर को ही तुम कंसिडर करते हो तो देखो कि हियर वेव विल, पहले समझा देते हैं, देखो अब क्या होगा, अगर तुम लाइट को वेव कंसीडर कर रहे हो तो, ठीक है, तो वेव कैसे मूव करेगी, एज ए वेव फ्रंट के रूप में मूव करेगी, वेव फ्रंट के रूप में मूव करेगी, उसकी क्या है, कोई ना कोई इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इंटेंसिटी ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो जैसे ही तुम कोई भी इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी की लाइट किसी मेटल के ऊपर क्या करोगे, इंसिडेंट करोगे, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, मतलब किसी भी इंटेंसिटी के ऊपर तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक, हाई इंटेंसिटी के ऊपर, एक लिमिट से हाई इंटेंसिटी के ऊपर तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ उसकी फ्रीक्वेंसी कितने भी कम हो, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, बट यहां तो एग्जिस्ट कर रही है, यही पहली गलती थी तुम्हारी वेव नेचर ऑफ लाइट। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट की हेल्प से जो हम ट्राई कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने की, उसकी पहली गलती क्या थी कि
इसको ऐसे बता दिया कि वेव फ्रंट होगा, तो उस वेव फ्रंट है, इंटेंसिटी हाई है तो आयाम इसका हाई है, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड हाई है, एम्पलीट्यूड हाई है तो एनर्जी हाई है, जैसे एनर्जी हाई है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाएगा, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये पहली गलती होगी। तो क्या लिखोगे, वेव विल मूव एज वेव फ्रंट एंड व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिख दो व्हाट एवर द फ्रीक्वेंसी, व्हाट एवर द फ्रीक्वेंसी, व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट विल इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड बढ़ेंगे, ठीक है, तो सर्व होने वाली एनर्जी भी बढ़ेगी, वेव एंड एनर्जी ऑफ वेव वेव विल मूव एज वेव फ्रंट एंड व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इट विल इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एंड एनर्जी ऑफ वेव। इससे एनर्जी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा तुम्हारा। सो देयर विल बी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कह रहा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, तो पहली बात तो ये इस जगह गलत हो गया। दूसरी बात क्लासिकल ने क्या कही, ठीक है, एस वेव विल मूव एज वेव फ्रंट एंड एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मेटल, या लिख दो ऑल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं उनके अंदर जाके एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी इक्वली, ठीक है, और तुम्हें पता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने सारे होते हैं, ठीक है, मोल्स के अंदर होते हैं, एक मोल के अंदर 6.23 × 10^23 इतने इलेक्ट्रॉन है, तो सबके पास क्या होगी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। एज वेव विल बी मूव एज वेव फ्रंट एंड एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मेटल, थोड़ी थोड़ी एनर्जी उनके पास जाएगी, तो उनको एनर्जी कलेक्ट करके अपनी जो क्या बोलते हैं उसको वेव फंक्शन से ओवरकम होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं, बट हम क्या देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक इंस्टेनियस प्रोसेस है, जैसे ही इंसिडेंट होता है तुम्हारा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन आउट, बट ये तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये पॉइंट भी क्लासिकल थ्योरी का क्या था, गलत था, तो इसको भी लिख लो, एज वेव विल बी मूव एज वेव फ्रंट एंड एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मेटल, सो फॉर ए इलेक्ट्रॉन टू कलेक्ट एनर्जी एंड सो फॉर ए इलेक्ट्रॉन टू कलेक्ट एनर्जी एंड कम आउट फ्रॉम सरफेस विल बी ए वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, कि उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेके बाहर जाने के लिए, बहुत ज्यादा इसमें क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, बट वी नो कि जो तुम्हारा प्रोसेस है वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला प्रोसेस क्या होता है, इंस्टेनियस होता है, तो तुम्हारा यहां पर यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था, एक चीज इन्होंने और बताई थी, देखो कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इन्होंने क्या कहा था, इंटेंसिटी
इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड बढ़ गई वेव नेचर में, तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, सॉलिड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एनर्जी जैसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी क्या होगी, बढ़ेगी, मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारे क्लासिकल थ्योरी ने बताए और तुम देखते हो ये सारे के सारे क्या है, गलत है। तो अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारा कौन आता है, अब आते हैं आइंस्टाइन भाई साहब आएंगे और सारे के सारा तुम्हें क्वांटम की हेल्प से या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की वजह से हेल्प क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो नया वाला टॉपिक लगाओ, अपने पास न्यू टॉपिक है अब, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। या फिर कह दो एनर्जी क्वांटम क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1905 आइंस्टाइन भाई साहब आए। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जो तुम्हारी एनर्जी है जो इंसिडेंट तुम रेडिएशन कर रहे हो वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज है मतलब वो क्या है, छोटे 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 पैकेट्स के रूप में है, और इस पैकेट ऑफ एनर्जी को या क्वांटा ऑफ लाइट को ही क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक है। लिखो इन 1905 आइंस्टाइन tries to explain photoelectric effect with the help of particle nature of light, according to this light is made up of packets of energy, and each packet of is called as photon, ठीक है, इसके लिए अलग से लिख लो, quanta of light is equal to तुम्हारे पास ये क्या है, photon है, ठीक है, और इसमें होगा क्या, इन फोटो की फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है तुम्हारा, एक कंप्लीट पैकेट को ऑब्जर्व करता है, एक फोटोन को ऑब्जर्व करता है, अगर उस फोटोन की एनर्जी जो है उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बची हुई एनर्जी को लेकर बाहर निकल जाता है, ठीक है, और उसकी जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या रहता है तुम्हारा, वही रहता है। तो क्या लिखोगे, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ईच इलेक्ट्रॉन absorbs a photon, and if the energy of absorbed
फोटोन इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स happens, ठीक है, कि एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी से तुम्हारी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है मटेरियल के ऊपर, तो उससे क्या होता है, मटेरियल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है एक काइनेटिक एनर्जी के साथ. ठीक है, और इसमें तुम लिख सकते हो क्या लिखोगे लूजली, इससे पहले लिखो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दी, ठीक है, कि तुमने किसी भी जो मटेरियल है उसके ऊपर क्या किया, लाइट इंसिडेंट की, जो लाइट इंसिडेंट की उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो उसके पास एनर्जी कितनी आ गई, एच न्यू. ठीक है, जो तुम्हारी एच न्यू एनर्जी है वो दो काम में आती है. क्या काम में, पहला उसका वर्क फंक्शन ओवरकम करने में, उस इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन को पार करने में. अगर उसने वर्क फंक्शन क्या कर लिया, पार कर लिया, तो बाकी की जो एनर्जी बच गई वो कहां काम आती है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में. ठीक है, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का फाई नोट. ठीक है, ये क्या है, आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है. ठीक है, और इसमें तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा के मैक्सिमम है वो क्या है, डिपेंड ऑन न्यू पे डिपेंड करता है. ठीक है, लीनियरली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे इंस्टेड ऑफ इंटेंसिटी. तो ये तुम्हारी जो आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या डिफाइन कर देती है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, उसको डिफाइन कर देती है. ठीक है, और इसमें तुम लिख सकते हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी will dependent on frequency linearly as observed in experimental results. ठीक है, और एक और क्या लिख सकते हो यहां पे, के मैक्सिमम यही तुम्हारा किसके इक्वल था, तुम्हारे पास यही उसके इक्वल था ना स्टॉपिंग पोटेंशियल के, तो इसको दोबारा कैसे लिख सकते हो, ईवी जीरो इज इक्वल टू एच ऑफ न्यू माइनस का फाई नोट. ठीक है, और यहाँ पे वी नोट क्या है, तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है. इसमें एक चीज और भी देख सकते हो कि जो तुम्हारा वर्क फंक्शन है ना, जो वर्क फंक्शन है कि सपोज दैट तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक फोटोन आया उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाला, और उसकी काइनेटिक एनर्जी उस टाइम क्या थी, जीरो थी. अगर ऐसा हो, ठीक है, तो क्या होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू नोट थी, ठीक है, तो एच न्यू नोट इज इक्वल टू फाई नोट. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी. ठीक है, फाई नोट इज इक्वल टू कितना आ गया, एच ऑफ न्यू नोट, और यहां से एच न्यू नोट क्या आ गया, फाई नोट बाय का एच. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बिल्कुल हल्की सी काइनेटिक एनर्जी देने के लिए भी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा. अगर तुम्हारा जो न्यू है वो लेस देन है न्यू नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. इन दोनों ही केस के अंदर वाट एवर द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को तुम क्या कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, मीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, मीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट. ठीक है, इसके बाद एक चीज और देखो, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व
विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा फोटोन हो गए एक फोटोन क्या जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो इंक्रीज इंटेंसिटी में हो गया तो फोटोन में इंक्रीज हो गया ठीक है नंबर ऑफ फोटॉन्स में इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इफ फ्रीक्वेंसी इज sufficiently high if frequency is sufficient or high या तो sufficient है या उससे क्या है high है इसे तुम क्या कह सकते हो so तुम्हारे number of electrons बढ़ेंगे तो number of electrons बढ़ेंगे तो number of charge बढ़ गया पर second में जाने वाला वहां से तो current भी बढ़ गया तो क्या बोलोगे so current depends on इंटेंसिटी ठीक है एक चीज ये भी लिखोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ये चीज लिख दी थी क्या विल बी एन इंस्टेनियस प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ए इंस्टेनियस इंस्टेनियस प्रोसेस क्या होगा फोटोन आएगा अगर फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन उसको ऑब्जर्व करेगा अगर इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व करने के बाद जो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी उससे हाई फ्रीक्वेंसी का था या बोलो इसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से क्या थी हाई थी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकल जाएगा अगर कम थी इसके वर्क फंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन वही बैठा रहेगा ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ए इंस्टेनियस प्रोसेस देयर विल बी नो टाइम लैग ठीक है इस चीज को भी क्या कर दिया डिफाइन कर दिया कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको डिफाइन कर दिया देखो एनर्जी वाले को डिफाइन कर दिया ठीक है और पार्टिकल नेचर के रूप में रहेगा ये उसने बता ही दिया और उसी टाइम निकल जाएगा इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इसको भी उसने गलत प्रूव कर दिया डिपेंड ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी ये भी तुम्हारी चीज हो गई ठीक है और इसमें तुम क्या लिख सकते हो ये हो ही गया एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नोट ठीक है जो तुम्हारी न्यू नोट है इसको क्या बोलोगे फाई नोट बाय एच ये तुम्हारी क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना ही चाहिए ठीक है और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको पार्टिकल नेचर के पे क्या किया है सो किया है ठीक है और पार्टिकल है तो क्या करो कहोगे फोटोन विल या फिर बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल फॉलो एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन ठीक है इसी बेसिस के ऊपर तो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारी एनर्जी है एच न्यू है वो कहां कहां जा रही है तुम्हारा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो ईवी नोट तो ईवी नोट इक्वल टू क्या आ गया एच न्यू माइनस का फाई नोट को क्या लिख सकते हो एच न्यू नोट यहां पे क्या है तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ईवी नोट यहां से वी नोट निकालोगे तो क्या आ जाएगा एच बाय का ई इंटू न्यू माइनस एच बाय का इनटू न्यू नोट इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में ग्राफ है फ्रीक्वेंसी एंड ये कौन सा पोटेंशियल है तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल जो क्या बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मैंने पीछे बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी किस पे डिपेंड करेगा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा इसका ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा देखो
वी नॉट को मैं इधर ले लेता हूँ, न्यू को मैं इधर ले लेता हूँ, न्यू को मैं अगर जीरो रखता हूँ ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये वाली रही, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा बन जाएगा। इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, एच बाई ई, इसकी क्या आ जाएगी स्लोप, ठीक है, ये इसकी स्लोप आ जाएगी। ये कट यहाँ पे कितना हो गया, एच बाई ई इंटू न्यू नॉट हो गया, ठीक है। अब देखो ये लीनियर ग्राफ आ गया, इसने भी क्या कर दिया, उस लेसन को सेटिस्फाई कर दिया ना, कि तुम्हारा जो वी नॉट है या के मैक्सिमम क्या होगा, न्यू के साथ लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे आइंस्टाइन भाई साहब ने सारे के सारे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थे उनको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। इसके बाद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो फोटोन की बात हुई है तो हम फोटोन की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करो, पार्टिकल नेचर ऑफ ऑफ लाइट, इसको लिखो फोटोन, फोटोन ना लिखे, इसको लिखो तुम द फोटोन, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या बताया, पॉइंट्स के रूप में लिख लो, ठीक है। रेडिएशन बिहेव एज इट इज ए पार्टिकल व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद मैटर, इट इज मेड अप ऑफ, लिख दो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन, अब यहां पे तुम क्या लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, ठीक है, कि इन फोटोन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले लिखोगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल सो नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, सो नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एंड बी वेक्टर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड लिखोगे रेस्ट मास जीरो, इनका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। थर्ड लिखोगे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट लिखोगे इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज न्यू एंड वेवलेंथ इज लैम्डा, इट्स एनर्जी इज गिवन एज ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, हियर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। इसको तुम लिख सकते हो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट तुम लिखो नोट डाउन करोगे टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम फोटोन का कैसे लिखोगे, ई बाय सी, मोमेंट एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड,
इज कंजर्व्ड इन फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन। और इस पार्टिकल नेचर को कौन सेटिस्फाई करता है? एक और जो तुम्हारा इफेक्ट था वो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, कौन सा? कॉम्प्टन इफेक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फोटोन की क्या हो गई, कंप्लीट प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें लिखा दी है, पांच लिखा दी ना, एनर्जी बता दी, मोमेंटम बता दिया। ठीक है, मोमेंटम को और कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, मोमेंटम पी इज इक्वल टू ई बाय का सी। ई को क्या लिख सकते हो? एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर एच न्यू बाय का ई को एच न्यू, तो नीचे सी है ही, नीचे सी है ही, तो एक कट के क्या बच जाएगा यहाँ से, पी इज इक्वल टू ई बाय का सी इज इक्वल टू एच बाय का लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू बाय का सी। ठीक है, तो इस तरीके से आइंस्टाइन ने कंप्लीट क्या कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन कर दिया। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मैटर वेव होगी। ठीक है, और उसके बाद दे ब्रोगली हाइपोथेसिस आएगी कि दे ब्रोगली ने क्या बताया कि कैसे मैटर वेव होती है, क्यों हमें ऑब्जर्व होती है, क्यों हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, और कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।